नमस्कार दोस्तों ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं मेरे साथ भाव से कर जुड़ गए हैं मुंबई से भाव बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। पांच दौर का मतदान जब समाप्त हुआ तो अमित शाह का बयान आया उन्होंने कहा कि हम तीन सौ तीन सौ दस के बीच में है और ऑलरेडी हम बहुमत हासिल कर चुके हैं अभी इंडियन एक्सप्रेस को बड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है कि 310 तो हम पांचवें चरण तक ही पहुंच गए थे अब छठे दौर का भी मतदान हो चुका है और सातवें दौर में आ, हमें पूरी उम्मीद है कि देश की जनता हमें जो एक संकल्प लिया था सबने 400 पार का उसे पार पहुंचाने में पूरी तरीके से संकल्पित दिखाई देगी आपका क्या आकलन है नंबर एक नंबर दो दूसरी तरफ मलिका अर्जुन खरगे ने भी एक जून को बैठक बुलाई है इंडी एलायंस की हालांकि ममता बनर्जी का बयान आ गया कि मैं तो यहीं रहूंगी यानी कलकत्ता में ही रहूंगी और मैं बैठक में भाग नहीं लेने जा रही हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका अब आकलन क्या है जब छह दौर का मतदान हो चुका है बस सातवें दौर का शेष है एक जून को वो भी हो जाएगा तो कहाँ खड़ी है इंडिया एलाइंस और एनडीए भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन आखिरी दौर का जो मेरा ख्याल है कुछ अट्ठावन सीट वगैरह बाकी है यानी हम बोल सकते हैं कि पांच के आसपास पांच से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है ईवीएम में बंद हो चुका है तो चार सौ चार सौ तो, चार सौ चौरासी या चार सौ पचासी हो चुका है हाँ ऐसा कुछ है चार सौ अस्सी के आसपास है तो उसमें से अगर तीन सौ पार कर गए वो बोल रहे हैं तो बात साफ है एक मैं मानता हूँ मैंने आपको पहले भी बता दिया था एक बार फोन पर कि चौथे दौर का जब वोटिंग चल रहा था उस वक्त शरद पवार जी का एक इंटरव्यू पब्लिश हो गया था और उस वक्त मेरा ख्याल है कि चौथे दौर का जब चल रहा था तो कुछ ढाई सौ से यानी आधे से ज्यादा सीटों का वोटिंग हो चुका था तीन दौर में मेरा ख्याल है कुछ ढाई सौ पौने तीन सौ सीटों का वोटिंग हो चुका था और उसके बाद शरद पवार ने वो इंटरव्यू दिया जो पब्लिश हुआ तब उस दिन चौथे चरण चरण का वोटिंग हो रहा था तो तीसरे के बाद दिया हुआ इंटरव्यू और चौथे चरण के यानी जिस दिन बारामती का वोटिंग होने वाला था तो आधा आधा समय निकल जाने के बाद इसकी चर्चा शुरू हो गई तो उसमें शरद पवार ने एक बात बोल दी कि अगले दो साल में बहुत सारे क्षेत्रीय छोटे दलों को कांग्रेस के साथ जाना ही पड़ेगा और कुछ दल तो आते आते कांग्रेस में विलय हो जाएगा तो ये बात सीधी है कि जीतने की या विनिंग सिचुएशन में हम नहीं है इसका कबूल करना ही मैं मानता हूं शरद पवार का इंटरव्यू और पांचवा चरण खत्म होते होते आ, अमित शाह ने कहीं इंटरव्यू दिया था वहां बोल गए थे कि हमने तो मेजोरिटी पार कर लिए तो ये बात साफ है और मैं मानता हूं कि ये लोग आंकड़ों पर बोल रहे हैं और आंकड़ों का मतलब अंदाज नहीं है वो जानते हैं क्या हुआ है अंदाजन क्या हुआ है क्योंकि एक बात साफ है कि जब वोटिंग हो रहा है उसी वक्त एक सर्वे चल रहा है जो सर्वे एग्जिट पोल के लिए हो रहा है बहुत सारी एजेंसिया अपने तरीके से जो वोट देकर बाहर निकलता है ऐसे मतदाता को पूछते कुछ सवाल और उस पर निष्कर्ष निकालते कि भाई इसने किसको वोट दिया तो उसके आधार पर वो आंकड़े बनाते हैं तो बात साफ है छठे सरण का अगर वोटिंग हो गया है 480-490 सीटों का वोटिंग हो चुका है तो उसका डेटा जो है वो इन सब एजेंसियों के पास रेडी है अब वो पब्लिस नहीं कर सकते ना पब्लिक प्लेटफॉर्म सकते ना किसी को बेच सकते ना उस पर खुला सा कर सकते, ये कानून है प्रतिबंध है। लेकिन एक बात साफ है जिस बात की जो चीज मार्केट में खुले आम खरीद नहीं सकते उसका ही ब्लैक मार्केट होता है दुगनी चौगुनी कीमत मिल जाती है तो एजेंसिया जिनके पास छठे चरण का एग्जिट पोल रेडी है वो नहीं बेचेंगे ऐसा लगता है आपको अरे पुना में एक एक्सीडेंट हो गया तीन लाख या चार लाख के लिए वहां का डॉक्टर अगर खून का जो नमूना है वो कचरे में फेंक देता है और बोगस नमूना पेश कर देता है तो इतना बड़ा चुनाव हो रहा है तो उसमें दस पंद्रह पच्चीस करोड़ के लिए एग्जिट पोल बेचा नहीं गया है ये क्या आप विश्वास करते हैं मुझे विश्वास है कि जो जो पार्टी को चाहिए उसको अवेलेबल है दुगना चौगुना कीमत पर अवेलेबल है और उसके आधार पर ये नेता बोल रहे हैं ढंग से चुनाव की बात छोड़कर शरद पवार बोल रहे अकाल महाराष्ट्र में अकाल है पानी की किल्लत है गांव-गांव में चारा की छावनी होनी चाहिए पानी जानवरों को इंसानों को ये बात शरद पवार बोल रहे हैं वो भूल गए कि चुनाव चल रहा है अभी भी <laughs> तो बात साफ है कि इन्होंने मान लिया है कि हम चुनाव हार गए तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आ रही है अच्छे तगड़े बहुमत से आ रहे हैं ये इंडी अलायंस के प्रमुख दलों ने मान लिया है उद्धव ठाकरे जो भावी पंतप्रधान माने जाते हैं वो तो लंदन में जाकर बैठे और उनकी वहां से खबर आ गई कि एक जून की मीटिंग जो बुलाई है उसमें उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे ना कि उनके प्रवक्ता नेता संजय राउत आ रहे तो बात साफ है एक जून की मीटिंग में आपने ही कहा कि ममता दीदी भी नहीं आ रही तो कौन आ रहा है कौन आ रहा है अब देखिए और जो खबरें हम सुनते हैं ना वो खबरों को जरा छलनी में डालकर देखे कि इसमें मिलावट कितनी है अब मीटिंग तो एक जून को बुलाइए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई कहा बुला है इसकी जगह स्थान क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे का घर ही स्थान है अब इसमें 28 पार्टियों के नेता इकट्ठा हो जाएंगे इनके साथ एक दो लोग और हो गए तो भी संख्या कम से कम सत्तर अस्सी नब्बे तक पहुंच जाती है क्या इतने लोगों की मीटिंग करने के लिए शाम को मीटिंग है यानी धूप तो होगी सूरज की किरने तो होगी पांच छह बजे इतना बड़ा बंदिश्त रूम एसी किया हुआ खरगे के बंगले पर है नहीं इसका मतलब साफ है उनको भी मालूम है दस पंद्रह लोगों से ज्यादा कोई आने वाला है नहीं यानी मीटिंग होने वाली ही नहीं है हा लेकिन दिखाना पड़ता है ना कि हम भी कुछ कर रहे हैं चुनाव के नतीजे आने वाले हैं आज एग्जिट पोल होने वाले हैं और सुबह से वोटिंग चल रहा है दो घंटे में खत्म होने वाला है तो उसके बाद की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए हम भी कुछ कर रहे हैं मुझे एक पंचतंत्र की एक कहानी याद आती है कि जंगल में लोग बोलते कि दो, दो, हमको लोकतंत्र चाहिए लोकतंत्र ये क्या शेर हमेशा राजा क्यों रहेगा ये बदलना चाहिए तो चुनाव हो जाता है और बंदर राजा बन जाता है फिर कोई एक बड़ा चक्रावात आ जाता है तो सब जानवर इकट्ठा हो जाते हैं बंदर को बोलते हैं यार तू राजा है कुछ तो कर तो ये इस पेड़ से उस पेड़ पर उस पेड़ से उस पेड़ पर जंप मारता रहता है कुदी मारता रहता है लटकता रहता है लोग बोलते हैं यार कुछ कर तो बोलते कुछ तो कर रहा हूं इस पेड़ से उस पेड़ पर जम मार रहा हो ना तो कुछ कर रहा हो बिल्कुल वही बात मल्लिकार्जुन खड़गे की एक जून की मीटिंग की है हम कुछ कर रहे हैं वो मीडिया को जनता को दिखाने की कोशिश हो रही है जनता कहीं में धूल फेंकने की कोशिश हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं है भाव के इस मीटिंग में ही ब्लेम गेम शुरू हो जाए नहीं नहीं वो ब्लेम गेम करने के लिए अभी इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि इनको मालूम है कि एक जून को जो कुछ होना है उससे पहले ही अपना अपना कुनबा संभालना जरूरी है क्योंकि एक तारीख को शाम को जब एग्जिट पोल सामने आ जाएगी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में फर्क होता है ओपिनियन पोल हमेशा पक्के गलत हो सकते हैं लेकिन एग्जिट पोल में एक दो पोल तो कम से कम बिल्कुल डॉट टू डॉट होते हैं और उसमें पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाता है जो मतगणना के दिन पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है लेकिन एग्जिट पोल ने जनता का झुकाव किस तरफ है इसका पहला सिग्नल एग्जिट पोल में मिल जाता है और जो कुछ आंकड़े आए हैं उसके आधार पर हम देखें तो कल परसों की बात है न्यूज 24 चैनल पर योगेंद्र यादव और यशवंत देशमुख इकट्ठा थे और उस दरमियान अपने क्या बोलते है? योगेंद्र यादव ने अपना आंकड़ा दिया है 240 से लेकर 260 तक बीजेपी आएगी क्या बोल रहे हैं 240 से लेकर 260 तक बीजेपी आएगी यानी बहत्तर के लिए सिर्फ 12 सीटें कम हो सकती है ये अनुमान किसका है ये अनुमान योगेंद्र यादव का है अब ये हमेशा और डिक्लेयर्ड ओपनली एंटी बीजेपी है मोदी को दुश्मन मानते हैं तो ये जब 260 बोलते हैं तो उसमें कम से कम 25 अब चालीस 30 35 या 30 40 50 तक सीटें बढ़ानी है अब उसमें मैक्सिमम अगर वो 260 बोल रहे उसमें चालीस मिला दो तो तीन सौ हो गए समझे बिल्कुल अगर देल्कुर। वो कम से कम दो सौ चालीस बोल रहे उसमें तीस मिला दो तो दो सौ सत्तर हो गए आ गई मेजोरिटी तो ये खिलाफ यानी पब्लिकली डिक्लेयर्ड है कि ये मोदी को हारता हुआ देखने चाह देखना चाहते उसके बाद पटाखे उड़ाना चाहते लड्डू बांटना चाहते वो अगर 250 के आगे बीजेपी को लेके जा रहे हैं तो एग्जिट पोल क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हो अब दूसरी बार प्रशांत किशोर ने बोल दिया कि बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है पंजाब बंगाल और तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर होगा मतलब साफ है बीजेपी को जहां उसका प्रभाव क्षेत्र है कोई नुकसान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा तीसरे जिनके जो सिर्फ एग्जिट पोल करते हैं और बहुत सारे एग्जिट पोल सही निकले हैं ऐसे एक्सिस इंडिया के प्रदीप गुप्ता भी बोलते मुझे कोई बड़ा उलटफेर होता नहीं दिखाई दे रहा है मतलब बीजेपी 300 पार तो हो रही है और अगर ये जो खिलाफ जाने वाले लोग हैं खूब राजदीप सरदेसाई ने बोल लिया कि डील है बीजेपी आ रही है हैट्रिक हो रही है तो और क्या चाहिए आपको तो? और क्या चाहिए <laughs> हाँ बस उस पर मुहर लगना जरूरी है काउंटिंग का तो महीनों से जो 200 180 220 पर लटके हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके 300 तक आ रहे और आखिरी दिन मुझे मुझे और एक बात याद आ रही दस साल पहले की बात है एग्जिट पोल हुए थे और शायद मेरा ख्याल चाणक्य करके कोई एजेंसी थी उसने बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी दी थी और एनडीए को तीन सौ बाकी किसी ने भी नहीं मेजोरिटी तक नहीं दी थी एनडीए को लेकिन उस वक्त भी पोल ऑफ द पोल करने वाले और अपना खुद का एग्जिट एक पोल करने वाले सबसे माहिर जिनको माना जाता है प्रणय रॉय उन्होंने एग्जिट पोल में एनडीए को दो पर पक लाकर खड़ा कर दिया था यानी एनडीए को मेजोरिटी मिल सकती है बीजेपी को नहीं लेकिन बीजेपी वो भी पार कर गई थी तो प्रणय रॉय ने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए दो का आंकड़ा दिखा कर रखा था और एक बात बोल दो ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट होते 2019 yes. के चुनाव में निर्जा चौधरी एक चैनल पर बोल गई थी कि बाकी कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मोदी के लिए कुछ अंडर करंट मालूम होता है तो अंडर करंट है लेकिन शॉक दस दिन के बाद लगने वाला है ये अजब तर्क है अगर अंडर करंट है तो आपको पता चलना चाहिए बोरवेल जहां निकालते हैं उसके पहले हमारे पुराने तरीके के कुछ लोग नारियल या कुछ छड़ी लेकर घूमते बोलते ये स्पॉट पर पानी निकलेगा उसको अंडर करंट बोलते तो यही बात आज हो रही है और बोलेंगे कल बोलेंगे कि परिस्थितियां ऐसी थी लेकिन वोटिंग कम हो गया कांग्रेस वालों ने अपने उम्मीदवार वोटर निकाले नहीं ये फिर कांग्रेस को गाली देना शुरू कर देंगे और छेड़ पहने के बाद वही पदयात्रा पदया का गुणगान शुरू कर देंगे भाव ऐसे 15 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला भी होता है कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं और आपने भी अपनी पुस्तक में लिखा था कि 190 सीटें ऐसी हैं जहां पर डायरेक्ट फाइट होती है कांग्रेस और बीजेपी की इन 190 में से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 175 सीटें जीती थी और कांग्रेस के हिस्से में केवल 15 सीटें आई थी और दोनों के बीच में वोट शेयर का अंतर था 21 प्रतिशत का भारतीय जनता पार्टी को छप्पन प्रतिशत वोट मिले थे और कांग्रेस को 35 प्रतिशत वोट मिले थे ये जो 21 प्रतिशत का अंतर है ये कोई मामूली नहीं होता है बिल्कुल, ये बिल्कुल। तब ये तब पाटा जा सकता है जब छप्पन uh, प्रतिशत वालों के खिलाफ जनाक्रोश दिखाई दे रहा हो और जिनको पैंतीस प्रतिशत मिला हो उनके प्रति एक लाड़ प्यार दिखाई दे रहा हो आस्था दिखाई दे रही हो और उनकी रैलियों में वैसा ही माहौल हो जैसा नरेंद्र मोदी की रैली और रोड शो में दिखाई देता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है फिर ये राहुल गांधी किस आधार पर कह रहे हैं कि चार जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है वो बोलना जरूरी होता है ना देखो हम हम बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हाँ हाँ आइसक्रीम चाहिए तो कल शाम को जाएंगे और वो कल तो आता नहीं कभी लेकिन बोल तो देते ना हम बच्चों को अगर आइसक्रीम खिलाना नहीं है तो हम बोलते आज नहीं कल देंगे रविवार को देंगे इतवार को लेके जाएंगे आज नहीं तो बच्चों को खुश करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा देखो एक बात और बोल दो प्रशांत किशोर ने बड़ी अच्छे शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने कहा है 2019 जैसा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों में उदासीनता है लेकिन गुस्सा नहीं है गुस्सा नहीं है आप आप घर में अपने बेटे पर बीवी पर बच्चों पर नाराज हो सकते तो आप रिलक्टेंट होते हो उनको इग्नोर करते हो नजरअंदाज करते हो लेकिन जब गुस्सा होता है तो आप गाली देना शुरू करते हो आप हाथ उठाते हो तो हाथ उठाने की अगर सिचुएशन नहीं है तो बदलाव कैसे आएगा बदलाव नहीं आ सकता हाँ राहुल गांधी राहुल गांधी के लिए हार जीत का फर्क नहीं है वो बहुत बड़े स्थित प्रज्ञ तटस्थ है उनके लिए हिमालय और विष्ववृत्त जो होता है जहां बड़ी हीट होती है उनमें कोई फर्क नहीं है हाथ जलने के बाद भी राहुल गांधी बोल सकते हैं बर्फ कितनी ठंडी है तो राहुल गांधी अजब किस्म के इंसान है सजीव है हम और आपसे उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए हम काला जो है उसको काला मानते वो बोलते कि आप काला मानो मैं क्यों मानूं जब तक मैं इसको काला नहीं मानता तब तक यही तो सफेद है क्योंकि राहुल गांधी की बात आपको मालूम है उनका तरीका सोचने का तरीका जो है तो वो बोलेंगे तीन तारीख को सरकार चार तारीख को हमारी सरकार आने वाली है अब चार तारीख के बाद वो बोलेंगे मैंने कहां कहा था कि चार जून चौबीस को मैं तो चार जून उन्तीस की बात कर रहा था ये भी बोल सकते हैं जिसको जिम्मेदारी ही नहीं है जिम्मेदारी ही नहीं है जो इंसान दो में पांच साल पहले बोला था कांग्रेस मस्ट डाय कांग्रेस को मर जाना चाहिए वो इंसान का नाम था योगेंद्र यादव जी हां जी हैं। अगर उसको लेकर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और योगेंद्र यादव एक बार भी नहीं बोल रहा है कि पांच साल पहले मैंने बहुत गलत बयानी की थी तो क्यों उसको साथ लेकर घूम रहे क्यों घूम रहे चार जून के बाद फिर बोले योगेंद्र यादव उस वक्त क्या बोले थे ये शायद राहुल गांधी को पता नहीं और पता होगा तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो चार जून <laughs> को क्या होने वाला है ये भी शायद राहुल गांधी को पता नहीं होगा चार तो जून के वो बाद शायद योगेंद्र यादव मैं कह रहा हूं कि चार जून के बाद योगेंद्र यादव शायद फिर रिपीट करेगा उस बात को बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे कांग्रेस मर डाय मर जाना चाहिए और बात यह कि आप आपके दिमाग में जो है वो आप देखना चाहते हो और बाद में आपको लगता है कि ये तो हो रहा है देखो भूत की बात होती है ना हमारे हमारे मन में एक डर होता है तो जो डर होता है वही से भूत पैदा हो जाता है तो और लोगों को ना दिखे हमें तो दिख दिखता है क्योंकि हम डरे हुए जो डरता नहीं उसको भूत दिखाई नहीं देगा जो कबीर का शायद किसका दोहा है मैंने सुना है जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी जो आप देखना चाहते हैं, उस पर आपका बहुत बड़ा विश्वास हो जाता है तो आपको वो दिखने लगता है आपको वो दिखने लगता है वरना तो आग बन करके बैठो तो सूरज भी उगता नहीं है ना सूरज उगने से मतलब नहीं होता आपकी आंख खुली होनी चाहिए जो लोग पूछते कि दस साल में मोदी ने क्या किया अरे आम आदमी रास्ते पर का भी बोल देता है कि भाई ये शौचालय मिला है वो मिला है रास्ते हो गए अब ये देखने के लिए आपके पास आंख तो होनी चाहिए अगर आपके पास आंख नहीं होगी ये हमारे विश्लेषक एनालिस्ट एक बात भूल गए एक किसी बड़े विचारक का एक मेरे आ, आ, कोर्ट पढ़ा था बड़े बहुत बढ़िया कि जब घना अंधेरा होता है उस अंधेरे से हमको निकलना है तो रास्ता दिखाने वाला कोई अंधा होगा तो भी चलता है क्योंकि आंखें बंद करके भी वो रास्ता ढूंढ निकाल सकता है क्योंकि अंधेरा ही है लेकिन जब उजाला हुआ है सूरज निकला है तो अंधेरे अंधे का हाथ पकड़ कर चलना मूर्खता होती है बिल्कुल वही बात राहुल गांधी ने की है जो इंसान बोलता है कांग्रेस को मरना चाहिए उसका हाथ पकड़कर पदयात्रा कर रहे हैं तो आप कौन से रास्ते पर निकल गए आपको ही पता नहीं है और प्रशांत किशोर इसके बारे में फ्री में सलाह दे रहा था कि भाई बाकी इंडिया अलायंस मत करो जो 190 सीट है जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है उसमें अगर बीजेपी के पास 175 सीटें हैं उसमें से 50-60 कम करने के लिए कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकनी पड़ेगी तब जाके बीजेपी भी को आप गवर्नमेंट बनाने से रोक सकते फ्री एडवाइस थी लेकिन सुनेगा कौन क्योंकि प्रशांत किशोर को आंखें हैं योगेंद्र यादव ने आंखें बंद कर लिए और आप अंधे का हाथ पकड़कर दिन के दिन दिन के समय में आप रास्ता ढूंढ रहे तो आप तो गलत रास्ते पर चले जाओगे बहु मेरे सामने चार प्रदेशों के आंकड़े हैं और जो समीक्षक थे जो विश्लेषक थे जो राजनीति के पंडित थे उनका कहना ये था कि अगर मोदी को हराना है और इंडी अलायंस को जीतना है तो इन चार राज्यों में उसे उलटफेर करना पड़ेगा ये चार राज्य हैं बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और इनमें कुल मिलाकर के 210 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 2019 में इनमें से एक सीटें जीती थी बिहार में कुछ नुकसान की आशंका थी नीतीश को वापस ले आए इसी तरीके से महाराष्ट्र में एक नुकसान की आशंका थी शुरू में तो एनसीपी का धड़ा टूट गया शिवसेना पहले ही टूट चुकी थी उत्तर प्रदेश में तो ये कोई नुकसान बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जयंत चौधरी जो इनके साथ थे वो पश्चिम में बीजेपी के साथ आ गए पूर्व में भी निषाद हों या आपके दूसरे हों जो छोटे मोटे पॉकेट्स में अपना असर रखते हैं और जिनके जातीय एक तरीके से संगठन है या पार्टियाँ वो अब बीजेपी के साथ हैं वो अखिलेश के साथ नहीं है पश्चिम बंगाल में तो सब जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनादेश को उलटने जा रही है जो अभी के वहां सूचनाएं मिल रही हैं, बीजेपी 25 से लेकर के 30 सीटें तक जीत सकती है और ममता बनर्जी नीचे आ सकती है तो ऐसे में ये इंडी अलायंस बनाना मीटिंगे करना कोई रणनीति बनाई थी क्या कोई विजन रखा था क्या मतदाताओं के सामने कोई नियत दिखाई थी कोई नेता रखा था क्या कि हम नरेंद्र मोदी को हरा रहे हैं तो क्यों हराना चाहते हैं और कौन हमारा लीडर होगा तो ऐसे में ये किस आधार पर दावेदारी करते हैं कि साहब बीजेपी हार रही है और मोदी हार रहे हैं और हम जीत रहे हैं देखो मैं आपको पांच साल पुरानी बात बोल दूंगा मेरा ख्याल है 2018 में या 18 के आसपास के चंद्रशेखर राव ने एक ट्राई किया था यार 2017 के 17 के यूपी के चुनाव के बाद कि बीगर कांग्रेस बीगर बीजेपी अलायंस बनाएंगे तो उसको उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने चुपचाप छह महीने पहले विधानसभा में भंग कर दी और तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव जल्दी हो गया छह महीने पहले जो मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ हो गया और वो बच गए क्योंकि उनको मोदी के साथ लड़ना नहीं था विधानसभा चुनाव वरना तो 2014 में आंध्र और तेलंगाना का चुनाव लोकसभा के साथ हो गया था उनको मोदी मोदी का प्रभाव नहीं चाहिए था और बड़ी ताकत से वो जीत गए अब वही बात हमें समझनी चाहिए कि आप जब चुनाव लड़ रहे हो तो आपकी ताकत जहां भी है वो सही ढंग से इस्तेमाल करनी चाहिए अगर बाकी राज्यों के साथ लेकर नहीं जा सकते तो अपना राज्य बचाओ ये इन्होंने किया था अगर कांग्रेस वही करती सबको इकट्ठा करने के बजाय ये जो 190 सीटें हैं जहां बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है उसमें से ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश करती ना कि औरों से सीट का बंटवारा करने में फंस जाती अब 300 कुछ 20 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है उतनी सीटों पर लड़ने के बजाय सिर्फ दो सौ सवा दो सीटों पर लड़ती और पूरी ताकत 190 150-200 सीटों पर लगा देती और 100 सीटें भी जीतती तो बीजेपी को धक्का लग सकता था लेकिन इन्होंने किया नहीं और उसका परिणाम सामने है कि ये कहीं भी इनके पास कोई प्लान नहीं था कोई रणनीति नहीं थी किसको हराना है कैसे हराना है इसका तक पता नहीं था और इसलिए तो मोदी ने 370 और 400 पार बोल गए तो उसमें फंस गए और उससे निकलते निकलते पांचवे चरण का वोटिंग तक पूरा हो गया तब जाके 400 और 350, 370 के जंजाल से निकल रहे लेकिन तब तक, तक तो चुनाव खत्म हो गए आखिरी चरण का चुनाव बचा है तो देखो आपका आइडिया क्लियर नहीं होता आपका फोकस क्लियर नहीं होता कि कहां जाना है अगर कहां जाना है ये तय है तो आप रास्ता ढूंढने लेते हो जहां कोई टर्न लेते हो और पहुंच जाते हो ठीक है सौ तक नहीं पहुंचे अस्सी तक तो पहुंच जाओगे लेकिन अब गलत राह पर निकल गए तो पच्चीस किलोमीटर भी जाना मुश्किल होता है अब चलते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं यही हालत इनकी हो गई इसलिए अभी हवा में बोल रहे कि सरकार बनाने जा रहे अरे सरकार बनाने की बात होती तो शरद पवार छोटी पार्टियों को कांग्रेस में विलय की बात क्यों करते क्यों करते और इतनी अच्छी परिस्थिति है तो एक जन जून को मल्लिकार्जुन खड़के को मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं थी अगर राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस है वो अगर कांग्रेस के पास होता तो मल्लिकार्जुन खड़के मीटिंग नहीं बुलाते बाकी लोग बोलते अरे यार मीटिंग कर लो सरकार तो बनेगी उद्धव ठाकरे तो निकल गए लंदन ममता बनर्जी बोलती है कि मैं तो मीटिंग को नहीं आऊंगी बात साफ है तो राहुल गांधी की बात अलग है वो बहुत बड़े ज्ञानी है उनको 25-50 साल आगे चलकर कभी कांग्रेस सत्ता में आ रही है सरकार बना रही है वो दिखाई देता है तो बोल देंगे लेकिन जितके पाव जमीन पर लगे हुए हैं उनको पता है ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है अभी ये बात कही जा रही है कि राजस्थान में दो तीन सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है कर्नाटक में कुछ सीटों का हो सकता है लेकिन तेलंगाना में बढ़ेगी उड़ीसा में बढ़ेगी जहां कभी उसे सीट नहीं मिली केरल में भी एक दो सीटें मिल सकती हैं तमिलनाडु में मिल सकती हैं पश्चिम बंगाल में बढ़ सकती हैं। अगर ये सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो आपको कांग्रेस कहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है भाव मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही कहीं नहीं दिखाई दे रही अब देखो एक बात होती है कि परीक्षा जब होती है तो बच्चे क्या करते है? भाई इसमें तो हंड्रेड या नाइन्टी परसेंट तो मैं लाता हूं इसमें साला चालीस पैतालीस पर अटक जाता हूं तो मेहनत वहां करता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए क्या करता है कि जो उसके कच्चे सब्जेक्ट है उस पर मेहनत करता है मोदी जी और शाह नड्डा वगैरह जो है वो केरला तमिलनाडु में छह महीने पहले से लग गए थे क्योंकि ये इनके लिए कच्चे सब्जेक्ट थे तो उधर तो उन्होंने अपनी मेहनत छह महीने पहले शुरू कर दी कांग्रेस की ताकत वहां है तो कांग्रेस ने तमिलनाडु हो जहां उनकी ताकत है तेलंगाना हो वहां क्या किया कुछ नहीं किया ये लगे रहे कि बिहार में सीट का बंटवारा हो बंगाल में सीट का बंटवारा हो महाराष्ट्र में सीट का बंटवारा हो इसकी क्या जरूरत थी आंध्र में क्या करे अरे आपकी जहां ताकत है वहां आप लग जाते और वहां छोड़कर राहुल गांधी पदयात्रा पर निकल गए ना कि कच्चे सब्जेक्ट है वहां काम करें ये मणिपुर से मुंबई पहुंच गए और इसके बीच इंडिया अलायंस का कुछ भी नहीं हो रहा था ना मीटिंग ये हो रही थी ना इनकी कोई ज्वाइंट मीटिंग चुनाव शुरू होने से पहले हुई कब हुई मुंबई में हुई मेरा ख्याल है सत्रह अठारह मार्च को हुई उसके बाद थी अरब है हर अपना अपना लड़ रहे है आएगा तो आएगा देखेंगे क्या होता है गठबंधन है ऐसी खबर थी लेकिन गठबंधन था ही नहीं था ही नहीं हर कोई अपने अपने ताकत पर लड़ रहा था एक एक मेल जोल कर नहीं लड़ रहे थे मुझे एक कार्टून याद आता है ये गठबंधन कैसा था जब बीजेपी को छोड़कर निकले हुए नीतीश कुमार ने 2016 में लालू के साथ गठबंधन बनाया था तो एक किसी कार्टूनिस्ट ने बढ़िया कार्टून बनाया था लहंगा था उसमें एक एक जो कप्पा होता है उसमें लालू थे और दूसरे में नीतीश कुमार थे और नाड़े का एक एक छोर पकड़कर बोल रहे थे अरे यार छोड़ना नहीं है पक्का पकड़ के रहना नहीं तो गिर जाएगा लेंगा तो बिल्कुल इस इस क्या बोलते गठबंधन की हालत वैसी थी इसमें नाड़ा ही नहीं था वो नाड़ा था वो इनको हराने पे लगाया इनको नंगा करने लगाया मोदी को हराना यही तो इनके लहंगे का नाड़ा था <laughs> वो आपको लग गया? तो लहंगा नीचेगा लोगों के सामने आ जाएगी आपको लगता है 2014-2019 की करारी शिकस्त और बहुत सारे बड़े स्टेट में भी हार कोई सबक सीखा है क्या राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने या विपक्षी दलों ने नहीं, नहीं सबक सीखना तो इनके बस की बात है ही नहीं देखो जब आप ज्ञानी हो जाते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होते हो क्योंकि आप सीखना बंद करते हो और इतना सक्सेस होने के बावजूद मोदी जी इकहत्तर इंटरव्यू दे रहे डेढ़ सौ से ज्यादा ये कर रहे रोड शो कर रहे रैलियां कर रहे लेकिन इनको उसकी जरूरत नहीं होती उनको लगता है कि आ, हमारे मराठी में एक कहावत है असेल माजा हरी यानी खाटलिया भगवान प्रसन्न नहीं है मुझ पर तो मुझे खटिया पर लाके खाना परोस देगा मुझे उठकर कुछ करने की जरूरत ही है नहीं राहुल गांधी और विपक्षी दल उसी ढंग से सोचते हैं कि जनता नाराज होगी तो हमको लाएगी वरना तो आएगा मोदी ही बस वही हो रहा है और ये तो कहावत बन गई है करे तो आप कुछ भी करें आएगा तो मोदी ही ये तो आजकल कहावत बन गई है तो ये भी वही कहावत दो, दिमाग में लेकर बैठ गए कि भाई अगर लोग नाराज हो गए महंगाई 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 बेरोजगारी चिल्लाते रहो जिनको लगेगा कि महंगाई है वो तो वोट देंगे ना तो ना देंगे फिर से आएगा मोदी कोई बात नहीं दो के चुनाव में फिर महंगाई और बेरोजगारी पर लड़ेंगे <laughs> तो इन्होंने अगर प्रयास ही नहीं करा है आप परीक्षा में बैठे ही नहीं है तो आपको इंतजार करने की क्या जरूरत है नतीजों का इंतजार क्यों करेंगे इसलिए एक जून को इन्होंने मीटिंग बुलाई है बीजेपी चुनाव के नतीजों के बाद क्या करना है वो दो महीने पहले तय कर कर बैठ गई है मोदी जी खुद बोलते हम 19 पर 2047 की बात कर रहे हैं तो ये बात है ये हवा में बातें कर रहे हैं उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है और भाव बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जब रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ एक बगावत हो सकती है इस तरह की बातें हम पिछले कई चुनाव से सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर अब ऐसी लीडरशिप बची है क्या जो इनके खिलाफ बगावत करेगी और कांग्रेस को लीड करेगी आगे आकर के नहीं वो तो समय बताएगा लेकिन बगावत करने वाले को कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है जिसके पास अपना दिमाग है उसको कोई स्थान नहीं है तो बगावत होगी ऐसा मुझे नहीं लगता और बगावत होने से क्या होता है वो बोलेगे निकल जाओ तुम अपनी पार्टी बनाओ हमको तो ये पार्टी डुबानी है तो बात साफ है बगावत वगैरह कुछ नहीं होगी आहिस्ते आहिस्ते करते कांग्रेस का विलय हो जाएगा कांग्रेस खत्म हो जाएगी लेकिन नेता तो रहेंगे राहुल गांधी नेता तो राहुल गांधी रहेंगे प्रियंका वडोरा रहेगी और कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी ना बजेगा बास ना बजेगी वंशुरी बोलते ना तो बास ही नहीं रहेगा तो बेचारे ये अजीत अंजुम है आशुतोष है हमारे कुमार केतकर है ऐसे लोग क्या करेंगे इसकी मुझे चिंता है क्योंकि क्यों इनको बगावत करनी पड़ेगी इनको योगेंद्र यादव बोलना पड़ेगा, पड़ेगा। हाँ उसको मैं बगावत बोलूंगा अगर कांग्रेस में बगावत होनी है तो वो कांग्रेस ने ना बैठे हुए कांग्रेसियों से बगावत हो सकती है भाव बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और और नेटवर्क के लिए इतना समय निकाल करके कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देखते थैंक यू सो मच अभी चुनाव के बाद क्या होता है नतीजे जी, क्या जी। आते मैंने तो किताब ही लिखी है चुनाव के बाद लोगों को बता दूंगा कि, किताब से क्या क्या सच्चाईयां निकली अभी बिल्कुल लिए? सही चार जून को नतीजे के दिन तो मुलाकात होगी ही हाँ, उस दिन जुड़ेंगे जी नमस्कार